स्टैन के विनर बनने पर मचा बवाल, तो हार कर भी जीत गई प्रियंका, 25 लाख के साथ मिला बड़ा ब्रेक। प्रियंका चाहर चौधरी भले ही ट्रॉफी पर अपना हक नहीं जमा पाई है, लेकिन बाहर आते ही उनकी किस्मत समक गई है। एक और सलमान खान ने भी शो में कहा था कि उनके अनुसार प्रियंका ही विनर है, तो फैंस का भी ऐसा ही मानना है। बिग बॉस 16 की छमछमाती ट्रॉफी को रैप पर एमसी स्टैन ने अपने नाम कर लिया है। बीती रात हुए ग्रैंड फिनाले में स्टैन को ट्रॉफी के साथ 31 लाख रुपए भी मिले हैं। हालांकि स्टैन का जीतना प्रियंका चाहर चौधरी के फैंस को पसंद नहीं आया और ऐसे में सोशल मीडिया पर खूब बवाल मच रहा है। दरअसल अटकलें लगाई जा रही थी कि मुकाबला शिव ठाकरे और प्रियंका के बीच होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब शो के मेकर्स को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। वही अब ऐसी खबरें आ रही है जिससे प्रियंका के फैंस काफी खुश हो जाएंगे। प्रियंका चाहर चौधरी फले ही ट्रॉफी पर अपना हक नहीं जमा पाई है, लेकिन बाहर आते ही उनकी किस्मत चमक गई है। एक और सलमान खान ने भी शो में कहा था कि उनके अनुसार प्रियंका ही विनर है, तो फैंस का भी ऐसा ही मानना है। वही अब प्रियंका को बाहर आकर बहुत सी खुशखबरी मिली है। शो के दौरान ही प्रियंका ने माई ग्लैम का एक ब्यूटी कंपटीशन जीता था। इसकी शर्तों के अनुसार उन्हें 25 लाख रुपए और माई ग्लैम के एड में श्रद्धा कपूर के साथ काम करने का मौका मिला है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।